नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बच्चों के दांत कैसे गिरते हैं? तो यूजुअली ये बच्चों के दांत होते हैं और हर एक दांत के नीचे एक परमानेंट टूथ होता है। जैसे जैसे ये परमानेंट टूथ ऊपर आने का ट्राई करता है, वो मुंह को घिस देता है उसके, और ये दूध वाला दांत गिर जाता है। बट अगर किसी भी रीजन की वजह से उनका जो परमानेंट टीथ है वो बाहर के साइड पे या अंदर के साइड पे आता है, उस टाइम पे वो उसके रूट को यानी कि मुंह को घिसता नहीं है, जिसकी वजह से वो टीथ वैसा ही रहता है और उसके आगे या अंदर के साइड पे एक उनका परमानेंट टीथ इरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो जो दूध के दांत या मिल्क टीथ होते हैं उसे रिमूव करना जरूरी होता है।